हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा। संविदा कर्मी नियमित तो नहीं हुए लेकिन वेतन भत्तों में 20% की वृद्धि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्ज दिया। पशुपालकों को 1 लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान देने की घोषणा। जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में पढ़कर सुनाया। गहलोत ने कहा कि यह बजट कृषि बजट है। अपने बजट पर भाषण की शुरुआत गहलोत ने इस शेर के साथ की, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। सीएम गहलोत ने जब यह शेर सुनाया तो विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे शेर सुनाने की सीख मैंने वसुंधरा राजे से ही ली है। सीएम गहलोत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम को लेकर उन्हें बहुत सारे ज्ञापन मिले हैं। इसमें पुरानी स्कीम को ही लागू रखने की बात कही गई है, इसलिए मैं अब 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त हुए राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक पेंशन देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही नए पे ग्रेड की भी घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में पेंशन की राशि बहुत उपयोगी होती है। नए पे ग्रेड के लागू होने से रोडवेज, पर्यटन निगम, विकास प्राधिकरण आदि सरकारी विभागों के कार्मिक को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सीएम ने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के भत्तों में भी 20% वृद्धि का घोषणा भी की। सीएम ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन सभी संविदा कर्मियों के वेतन में 20% की वृद्धि की घोषणा की है। सीएम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा पर्यटन उद्योग को लेकर की। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं उद्योग क्षेत्र को मिल रही है वे ही सुविधाएं अब पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से सरकार पर करीब 700 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने ग्रामीण टूरिज्म स्कीम लागू करने की घोषणा की। सीएम ने अपने बजट भाषण में दुग्ध उत्पादकों के लिए भी 1 लीटर दूध पर 5 रुपए अनुदान देने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने पशुपालकों के प्रति उदार रूख दिखाते हुए अनुदान की राशि 5 रुपए कर दी है, यानी जो पशुपालक अपने पशुओं को दूध डेयरी के संकलन केंद्रों पर जमा करवाएगा प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान मिलेगा। चौधरी ने कहा कि सीएम की यह घोषणा पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।